दोस्तों आपको तो पता होगा कि GTA 5 के कैरेक्टर्स क्राउच नहीं करते, बस इससे ही सर को थोड़ा नीचे करते हैं। लेकिन आज मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा मोड लाया है जिसका नेम है स्टेल्स एंड प्रोन मोड। इस मोड से बेसिकली हम GTA San Andreas वाले CJ की तरह फुल क्राउच भी कर सकते हैं एंड आर्मी सोल्जर्स की तरह प्रोन भी कर सकते हैं। मैं तो इस मोड को बहुत यूज करता हूँ। अगर आपने भी अपनी GTA 5 में स्टेल्स एंड प्रोन मोड को इंस्टॉल करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो अपना मोड डाउनलोड हो जाएगा। वेल, तो अभी आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से सेकंड लिंक को ओपन करना है जो कि स्क्रिप्ट हुक वी की। तो यहाँ पर हम सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो अपना ये मोड भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने थर्ड लिंक को ओपन करना है स्क्रिप्ट हुक वी .net वाले को। यहाँ पर हम सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे होगा स्क्रिप्ट हुक वी जिप्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपना ये मोड भी डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अभी हम अपने गेम में इन मोड्स को इंस्टॉल करते हैं। अभी सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन करेंगे, उसके बाद script.net वाला मोड ओपन करके यहाँ से इन 6 फाइल्स को सिंपली हम ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। नाउ हमने स्क्रिप्ट हुक वी वाला मोड ओपन करना है। बिन वाले फोल्डर में चले जाएंगे एंड यहाँ से फर्स्ट वाले फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड थर्ड वाले फाइल को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी इसको कट करके यहाँ पर हम GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखेंगे स्क्रिप्ट्स। मैंने पहले से ही बना रखा है तो मैं इसको नहीं बना रहा। अगर आपके पास पहले से ही स्क्रिप्ट्स वाला फोल्डर नहीं है तो हम न्यू फोल्डर बनाकर उसका नेम स्क्रिप्ट्स रख लेना। वेल, तो अभी हम अपना स्टेंस मोड ओपन करेंगे एंड यहाँ से इन दो फाइल्स को सिंपली हम ड्रैग करके स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में ड्रॉप कर देंगे। बस अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है तो जल्दी से हम अपनी गेम को ओपन कर लेते हैं। गेम ओपन करने के बाद आप जैसे ही कीबोर्ड में जे बटन प्रेस करोगे तो अपना बंदा क्राउच कर लेगा। अगर आपने प्रोन करना है तो आप गन कोई भी हाथ में रखकर जैसे ही जे बटन को होल्ड करके रखोगे तो अपना बंदा प्रोन कर लेगा। तो ऐसे ही ये मोड काम करता है। अगर आपने अपने GTA 5 के ग्राफिक्स को मेन्यू ट्रेनर की मदद से इनहेंस करना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ। अगर आपने GTA 5 में फॉर्च्यूनर इंस्टॉल करनी है तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ। हम वहीं मिलेंगे।